सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पोकेडेक्स एंट्री जो है हर तरह की होती है। तुमको फनी पोकेडेक्स एंट्री मिल जाएंगी, वियर्ड पोकेडेक्स एंट्री मिल जाएंगी और काफ़ी सारी क्रीपी पोकेडेक्स एंट्री भी मिल जाएंगी। तो चलो यार, फिर बात करते हैं आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्रीपी पोकेडेक्स एंट्री के बारे में। आज की वीडियो में मैं तुमको टॉप 10 क्रीपीएस्ट पोकेडेक्स एंट्री बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में तुम लोग को डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, उसकी गारंटी मेरी है। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अपने इस तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कैक्टन पोकेमॉन। तो कैक्टन की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि कैक्टन जो है वो रात के टाइम पर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में यहाँ से वह घूमता है ट्रैवलर्स की तलाश में, और अगर उसको ऐसा कोई बंदा दिख जाता है जो कि वहाँ पर ट्रैवल कर रहा हो अकेला, तो उसका पूरा ग्रुप जो है कैक्टन का पूरा ग्रुप उस बंदे का पीछा करते हैं। वो लोग तब तक उस बंदे का पीछा करते हैं जब तक कि वो थक के बैठ ना जाए, और जब वो एकदम थक जाता है और चलने की हालत में नहीं होता तब सारे कैक्टन मिलके उसे मार देते हैं। कितना अंधेरा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो, और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जल्दी जल्दी चलता हूँ। अब इससे आगे मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊँगा, यहीं पे लेट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो नंबर 2, गॉरगेस्ट। गॉरगेस्ट की एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमॉन अंधेरी काली रात को सबके घर पर जाके नॉक करती है, और अगर कोई भी गलती से गेट खोल देता है तो ये उसे अपने हाथ में पकड़ के अपना श्रापित गाना सुनाती है, और तब तक सुनाती है जब तक कि वो विक्टिम जो है तड़प तड़प के मर नहीं जाता। इतनी रात को कौन है गेट पे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आगे देख के आता हूँ। नंबर 3, लिटविक पोकेमॉन। लिटविक की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है ये पोकेमॉन लोगों को जंगल में रास्ता दिखाने के बहाने उनकी आत्मा को चुरा लेता है, उनकी लाइफ एनर्जी चुरा लेता है। क्या करूं, यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा अंधेरा है, मेरे पास कुछ आग लगाने के लिए भी नहीं है। अरे ये तो एक लिटविक पोकेमॉन है, इससे काफ़ी उजाला हो रहा है, इसी के पीछे पीछे चलता हूँ। इसके पीछे चलते चलते मैं तो काफ़ी दूर आ गया हूँ, पता नहीं है मुझे कहाँ पर लेके आ गया है। अरे ये तो रुक गया। नंबर 4, हॉन्टर। हॉन्टर की पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुम लोग किसी अंधेरी जगह पर हो और तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई तुम्हें छुप के देख रहा है, तो तुरंत समझ जाओ वो और कोई नहीं, वो हॉन्टर है, और तुरंत वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हॉन्टर के सिर्फ चाटने से लोग जो हैं वो मर सकते हैं। यहाँ पर अंधेरा कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तो मुझे छुप के देख रहा है। नंबर 5, डस्कल पोकेमॉन। डस्कल की पोकेडेक्स एंट्री ये कहती है इस पोकेमॉन को उन बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो कि अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। अगर ये कहीं पर भी ऐसे बच्चे को देखता है जो कि अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी कर रहा है या फिर बात नहीं सुन रहा उनकी, तो ये सीधा उसको मार देता है। कोई भी जगह, कोई भी दीवार, कुछ भी इसको रोक नहीं सकती। अगर इसने एक बार विक्टिम तय कर लिया कि ये उसको मारेगा, तो ये उसको मार के ही छोड़ता है। नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा, आप बाहर जाइए मेरे रूम से। ओ नो, ये डस्कल कहाँ से आ गया? अरे यहाँ पर तो आग लग गई, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अब मैं उस डस्कल से काफ़ी दूर भाग के आ गया हूँ, शायद अब वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ओ ये तो यहाँ पर भी आ गया। नंबर 6, बेनेट पोकेमॉन। बेनेट की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है
कि ये पोकेमोन पहले एक नॉर्मल डॉल थी जिसका जो ओनर था एक बच्चा, उस बच्चे को अब ये डॉल पसंद नहीं रही थी, उसके साथ खेलता नहीं था, इसीलिए उस बच्चे ने एक दिन इस डॉल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और तभी अचानक से वो जो डॉल है वो जिंदा हो गई और वो बन गई बेनेट पोकेमोन। और तभी से आज तक वो उस बच्चे को ढूंढ रही है ताकि वो उसे मार सके और अपना बदला ले सके। ये डॉल अब काफ़ी गंदी हो गई है, मुझे लगता है मुझे इसको फेंक देना चाहिए। हाँ, अभी ये काफ़ी अच्छी लग रही है, इस बेकार सी डॉल की जगह इस डिब्बे में ही है। लगता है मैं इस जंगल में गुम हो गया हूँ, अब क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये तो वही डॉल है जो कि मैंने उस दिन फेंक दी थी। नंबर 7, लैम्पेंट पोकेमोन। इस पोकेमोन की पोकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन हॉस्पिटल्स के बाहर खड़ा रहता है और इंतज़ार करता है लोगों के मरने का, क्योंकि जैसे ही कोई मरता है और उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर लाया जाता है तभी तुरंत ये उस इंसान की आत्मा को निकालता है और इसे खा जाता है, उस इंसान की सोल को खा जाता है। नंबर 8, मिस मैगियस पोकेमोन। मिस मैगियस की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन काली अंधेरी रात को जंगल में बैठ के रोती है और अगर गलती से कोई भी इसका रोना सुन लेता है उसके सर में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होने लग जाता है और वो विक्टिम जो है वो हेल्यूसिनेट भी होने लग जाता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ भ्रम दिखते रहते हैं, जो चीज़ है ही नहीं वो उसको दिखने लग जाता है। अरे वो मिस मैगियस गायब कैसे हो गई और ये मेरे सर में इतना जोर से दर्द कैसे हो रहा है? नंबर 9, पिंसर पोकेमोन। पिंसर की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि पिंसर को इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत है और अगर कोई भी इंसान पिंसर पे हमला करता है या उसको पकड़ने का ट्राई करता है तो पिंसर उसको अपने दो नुकीले से हॉर्न्स की मदद से दबाता है और दो हिस्सों में काट देता है। अरे वाह, एक पिंसर, अभी पकड़ता हूँ इसको। जाओ पोकेबॉल, अब पकड़ में आएगा। ये क्या, उसने तो पोकेबॉल ही तोड़ दी। मैं हूँ सबसे बड़ा पोकेमोन हंटर, गो। अरे स्कॉर्बनी देखो सामने पिंसर है, चलो इसको पकड़ते हैं। पोकेडेक्स एंट्री पढ़ी थी मैंने तुम्हारी, लेकिन ये सब मुझ पे काम नहीं करता, चलो चल के आरसीएस को पकड़ते हैं। नंबर 10, ग्लेली पोकेमोन। ग्लेली की पोकेडेक्स एंट्री ये कहती है इस पोकेमोन को लोगों के हाथ पैर या फिर कोई भी बॉडी पार्ट जमा के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि ये लोगों के बॉडी पार्ट्स को जमा देता है और फिर उनको आइसक्रीम की तरह खाता है। तो या यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। आज हम लोग फिर से लाइक एम रख रहे हैं 5000 लाइक्स का, यार इस वीडियो पे भी 5000 लाइक जरूर करना। और अगर चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जाके करो, वरना ऐसे पोकेमोन का अमेजिंग कॉन्टेंट तुमको कैसे मिलेगा। और यार इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके करो, लिंक मैंने दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरी आईडी है IAM Poketuber, तो जाके फॉलो कर लेना। ये रहे हमारी आज की पोके क्विज और पोके क्विज विनर्स। मैं बोलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।